गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नू तिहार जेल तो पंजाब लियाउण तो बाद हुण पंजाब पुलिस नू एक अहम सुराग मिलिया है। पुलिस ने गैंगस्टर गुरप्रीत गोरा नू हुशियारपुर जेल तो खरड़ लियांदा है जिथे उस कोलों पुछगिछ है जिहड़ी कीती जा रही है। सुदास जी की देर रात गुरप्रीत गोरा नू सीआईए दफ्तर है जिहड़ा पेश कीता गया है जिथे सीआईए दे सीनियर अधिकारियों दे वल्लों गुरप्रीत गोरा दे कोलों है जिहड़ी पुछगिछ कीती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछगिछ के दौरान गुरप्रीत गोरा का नाम लिया है। गोरा तुहानू दस दिंदे आ कौन है, कैनेडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड का जीजा दसिया जा रहा है। उस तो जीजा है गोल्डी बराड का जिस तो देर रात है जिहड़ा पंजाब पुलिस के वलों गिरफ्तार किया गया है। सीआईए दफ्तर खरड़ दे विच उस तो पेश किया गया है। लगातार बिश्नोई के नाल नाल जिहड़ी पूछगिछ है गोरा के कोलों भी की जा रही है। सो इस दे नाल ही सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के विच वड्डा खुलासा होया है। मूसेवाला के कतल विच वरते गए हथियारों का पता लग चुका है कि हथियार कित्थे ने। तो दस दिए कि हथियार मानसा के नाल लगती पंजाब हरियाणा सरहद से मिट्टी हेठा दबे हुए ने। मानसा पुलिस ने मूसेवाला कतल कांड पहला गिरफ्तार किए गए पवन बिश्नोई और नसीब खान तो यह पता लग्या है। फिलहाल उन्होंने दफनाने वाली थान की जिहड़ी जांच की जा रही है। जल्द ही हथियार पुलिस के वलों बरामद भी किए जा सकते हैं। इस तो पहला मानसा की अदालत ने लॉरेंस नू 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिता है। उधर पंजाब पुलिस मंगलवार रात करीब 8:30 बजे लॉरेंस के नाल दिल्ली तो रवाना हुई थी, जिस तो बाद पानीपत सोनीपत और करनाल तो होंदे हुए चढ़ती सवेर जरा 3:30 बजे मानसा पहुंचे, जिथे 4 बजे उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। उसको तड़के 4:30 बजे है जरा अदालत दे विच पेश करके उसका 7 दिनों का रिमांड जरा हासिल किया गया है। उसको पहला पूछगिछ के लिए मोहाली के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ के दफ्तर लिया गया। इतने पहला उस तो सवाल किया गया कि आखिरकार उसने सिद्धू मूसेवाला का कतल क्यों किया, की दुश्मनी सी उसने सिद्धू मूसेवाला दे नाल। ते नाल ही सवाल उसको किया गया कि केड़े हथियार वरते गए, तो हथियार इस वेले कित्थे हन, हथियार कित्थों आए। तो वड्डा खुलासा होया है कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच जिहड़े हथियार वरते गए सीगे, पुलिस नूं हुण उहनां दा पता लग गया है। पंजाब हरियाणा सरहद ते जिहड़ा मिट्टी हेठा ये हथियार दबे हुए ने, जल्दी पुलिस दे वल्लों इन्हां हथियारां नूं जिहड़ा बरामद कर लिया जाएगा। इस तो बाद पुलिस ने दो काफले ने जिहड़े वक्त-वक्त दिशावां नूं रवाना भी हो गए। लॉरेंस हुण कित्थे है फिलहाल इसकी पुष्टि हाले नहीं हो पाई है। हालांकि ये तय है कि मूसेवाला कतल कांड दे विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दे वल्लों लगातार जिहड़ी पुछगिछ लॉरेंस बिश्नोई कोलों कर रही है। पुलिस ने लॉरेंस के नजदीकी गोल्डी बराड के दो साथियों नूं भी दो थावां तों हिरासत दे विच लै लिया है, जिस तो मूसेवाला कतल कांड दे विच वरत्या गया हथियार है जिहड़ा बरामद किया जा सकता है।